everyone. So आज हम लोग पढ़ेंगे food chain किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे. So now let's just discuss what is food chain. World में हर किसी को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है. वही food एक दूसरे में transfer होता है, उसी को food chain कहते हैं. For example, plant eaten by deer, deer eaten by lion. ये एक food chain हुआ. तो plant ये फूड था वो डियर ने खाया, डियर ने जो फ्लेश था वो लायन ने खाया. तो ये एक फूड चेन बन गया. तो प्लांट अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? प्लांट अपना खाना सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. वी विल लर्न फोटोसिंथेसिस इन चैप्टर 6. So I'm giving you one more example, that is grass eaten by grasshopper, grasshopper eaten by frog, frog eaten by snake, and snake eaten by eagle. This is called a food chain. A flow of energy in the form of food from one living organism to another is called food chain. अब तो आप समझ ही गए होंगे फूड चेन किसे कहते हैं. तो लेट्स डिस्कस नाउ दैट व्हाट इज फूड वेब. हालांकि ये क्लास 3 के चैप्टर में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. एक फूड से ही हर एनिमल को कनेक्ट रहना ही, कई एनिमल को कनेक्ट रहना ही फूड वेब कहते हैं. जैसे ग्रास को काऊ भी खाते हैं, ग्रास को डियर भी खाते हैं, गोट भी खाते हैं, मैनी एनिमल्स खाते हैं. इसी को ही फूड वेब कहते हैं. इसी तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना को ही फूड वेब कहते हैं. तो आज हम लोग पढ़े कि फूड चेन किसे कहते हैं और फूड वेब किसे कहते हैं. तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कीपिंग सेफ चैप्टर को पढ़ेंगे. सो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ कीजिएगा. आज के लिए टाटा बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा.